तो हेलो गाइस, इस वीडियो का मोटो ये नहीं है कि मैं फेम ले रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। मेरा ये मोटो है गाइस, अगर आपको राह चलते कोई बंदा मिल जाता जिस पे भाई खाने को कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, तब उसकी थोड़ी हेल्प कर दो। क्योंकि गाइस अगर आप थोड़ी हेल्प करोगे ना उसके खाने को, अगर उसको खाने के लिए दे दोगे तो उसके भाई चेहरे पर एक मुस्कान होगी, जो अगर वो आपको मुस्कान देता है, खुशी अगर वो उसको मिलता है आपके खाने देने से या कुछ पैसे देने से, तो भाई आप बिल्कुल वो चीज़ करो यार। इससे इस वीडियो का एम है केवल कि भाई लोगों को ये पहुंचे वीडियो के थ्रू कि भाई हाँ, किसी बंदे को हेल्प करनी चाहिए, वो कैसा भी हो, या भाई उसमें अगर पैसे भी नहीं हो तभी आप हेल्प करो, कुछ ना कुछ हेल्प करो, थोड़ी बहुत ही करो। मैं ये नहीं बोल रहा भाई बहुत सारी चीज़ें ला कर उसको दे दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो, कुछ खिला दो, छोटा मोटा चीज़ खिला दो। तो गाइस ये वीडियो आप इंजॉय करो आगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक भाई बहुत ही गरीब लड़के के बारे में, जो एक रेस्टोरेंट में जाता है, खाना मांगता है कि भैया मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वहाँ का जो ओनर है उसको बेटरे करता और रिच पीपल के पास चला जाता है उनको सर्व करने के लिए, और जो वो छोड़ते हैं वो उसका खाना इसको देता है। वीडियो में आगे देखो। 1, 2, 3, come on! गाइस आप सभी लोग, मैं हूँ आपका दोस्त हरे, चैनल का होस्ट, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो डेली वेलर ब्लॉगर्स के शॉर्ट्स। तो गाइस आज मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिम करके घर आ रहा था, मेरे को एक 10-11 साल का बच्चा मिला, मेरे को बोलते हैं भैया मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ खिला दो प्लीज़। यार मेरे को वो सुन के बहुत बुरा लगा, मैंने बोला भाई तू ये क्यों कर रहा? बोला भैया पापा नहीं रहे, मम्मी बीमार है घर पे, भैया बहुत भूख लगा, कुछ है नहीं खाने को, मम्मी दूसरे घर में जाके बर्तन धोती है। भाई ये सुन के कसम से मेरे को ना रोना आ गया आँख में। तो मैंने बोला भाई चल देखो जो खाना है मैं खिलाऊंगा, तू चल मेरे साथ। तो मैं फिर इसको मिठाई के शॉप पे ले गया और मैंने बोला भाई देखो जो खरीदना तो खरीद, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने सारे मिठाई सेलेक्ट किए जो जिसको अच्छे लगे और सबके मैंने 4-4 पीस पैक करवा के इसको दे दिए। इसने बोला भैया ये भी खाऊंगा, तो उसको नाम नहीं पता था कि इसको बर्गर बोलते हैं। मैंने वो भी खरीद के इसको दिया, जा भाई खा। तो गाइस आप लोग भी ऐसे हेल्प किया करो यार ऐसे बंदों की यार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई, इनकी हेल्प नहीं करोगे तो यार कौन करेगा? कि घर वाले नहीं यार, आप ही लोगों को कुछ हेल्प कर दिया करो तो इनका बहुत हेल्प हो जाएगा भाई। आज आप इनकी हेल्प करोगे ना, अगर ये बड़े होकर ना ग्रो कर गए ना तो आपका ही नाम लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत हेल्प करो, छोटे मोटे कोई बंदा अगर देखे ऐसा भूखा उसका कुछ कुछ खिला दो। मैं गाइस ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरे को आज इतना बुरा लगा ना कि इतना छोटा बच्चा ये कर रहा है। आप लोग वीडियो देखे यार, बस मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ अभी। गाइस लास्ट में ये ज़रूर सुनना, लास्ट वाले क्लिप में, कि जब उस बच्चे ने वो अपनी मिठाई उठाई तो उस अंकल ने उसको कितनी ज़ोर से डांटा, कैसे बोला उससे, मेरे को वो बहुत हर्ट किया यार। सो गाइस हमने पैक वैक कराया सब कुछ इसके लिए, और फिर उसने ऊपर रखा हुआ था पेमेंट वेमेंट सब कर दिया। तो मैंने उससे बोला भाई तू उठा ले उसको, जो पन्नी में पैक किया हुआ था उठा ले। उसने उठाया, शॉपकीपर उस पर इतना ज़ोर से भड़का, ए तुम क्या इसको ले रहे हो, तुम कौन हो? तो फिर मैंने बोला अंकल ये मेरे साथ है, मैं इसको दे रहा हूँ, आप कौन होते बोलने वाले? सो गाइस इक्वालिटी देखो, वो बंदा केवल अपीयरेंस में गंदा था, इतना बड़ा शॉप खोल के गाइस अगर ये एक मिठाई उस शॉप में से लेंगे तो इनका क्या घट जाएगा? कोई बच्चा अगर आ रहा है बोल रहा है भैया भूख लगी है मेरे को कुछ दे दो, बस एक मिठाई निकाल के अब दे दो यार, वो खुश हो जाएगा यार बंदा।
उस पर इतने ज़ोर से आप भड़क रहे हो, जबकि वो उसी का है, उसी के लिए मैंने करता है, उसी का है, उस पर आप भड़क रहे हो, उस पर क्यों छू रहा है उसको भाई। कोई अपने अगर उसके लिए ख़रीदा मैंने तो वही ना उठाया गया यार, कोई दूसरा थोड़ी ना उठाया गया। आप देखो वीडियो देखो आप आगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा उसने कैसे बोला। फिर मैंने कैसे उसको खुशी खुशी गुड बाय बोला, बोला भाई टेक केयर, कभी भी ज़रूरत हो ना। मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर दिया कि भाई कभी भी ज़रूरत हो तो मेरे को फ़ोन कर लेना। गाइस इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो यार, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन जागे कि वो किसी की भी हेल्प करने से पीछे ना हटे, किसी की भी हेल्प आगे बढ़ के करे, दूसरों करे या ना करे वो करे ज़रूर। अगर कुछ बंदे हेल्प करेंगे तो उनको देख के दूसरे बंदे भी हेल्प करना स्टार्ट करेंगे। ये मत सोचो गाइस कि हम हेल्प कर रहे हैं हम ही क्यों करें, आप भाई स्टार्ट तो करो। आप देखो आप स्टार्ट करोगे, आप खुद से स्टार्ट करो ना, तो भाई दूसरे बंदे आपको देख के शर्म से स्टार्ट करें, भाई वो बंदा हेल्प कर रहा तो मैं क्यों पीछे हूँ, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ मैं पीछे क्यों रहूँ, हेल्प कर रहे हैं वो भी हेल्प करेगा आपके पीछे। सो गाइस कभी भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने की तो भाई प्लीज़ हेल्प करना, क्योंकि इनकी दुआएं भाई आपको अगर लग गई ना यार आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी भाई। आप भाई कभी भी हेल्प करो यार, तो इनकी खुल के करो, दिल से करो हेल्प। ये मत सोचो यार कि हम हेल्प कर रहे हैं सबको शॉप करेंगे। मैंने इसलिए वीडियो बनाया भाई क्योंकि मेरे को दिखाना था सबको कि कैसे ट्रीट किए जाते हैं बंदे, अगर शॉप में जाते हैं बड़े शॉप्स में जाते हैं तो इनको कैसे ट्रीट किए जाते हैं बंदे के द्वारा। मेरा इस वीडियो का मोटू ये नहीं कि मैं इसको दिखाऊं कि मैंने कितने खर्च किए इसको, कितने का मिठाई दिया, ये वो का नहीं है। मेरे ये मोटो है कि भाई अगर आप इतने बड़े शॉप खोल कर वो थोड़ा सा हेल्प करो तो आपको कुछ नहीं जाएगा भाई। और गाइस आप लोग भी अगर कभी भी ऐसा कोई बंदा देखे आप लोग हेल्प करने से पीछे ना हटो, आप लोग खुल के हेल्प करो, आगे बढ़ो हेल्प करने के लिए, आपको कुछ नहीं जाएगा भाई, बस कुछ पैसे ही तो जाएंगे। कुछ पैसे से अगर किसी की खुशी मिलती है भाई तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे को खुशी खरीदना है मेरे बहुत अच्छी लगती है। पैसे अगर दोगे इनको भाई ठीक है, यहीं और लगा देंगे पैसे। अगर आप इनको खाने वाला सामान देते हो खाएंगे, इनको लगेगा हाँ भाई कुछ खाया मैंने। भाई मैं लास्ट बोलना चाहूँगा प्लीज़ भाई प्लीज़ अगर आपको ऐसे बंदे देखते प्लीज़ हेल्प करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, कि बंदों में पहुँचे और बंदों के अंदर मोटिवेशन है कि वो दूसरे बंदों की हेल्प करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम डेहरी वाले लोगों। आप लोग सेफ रहो, कोविड का माहौल चल रहा है, सेफ रहो, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, गुड बाय।